जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस वीडियो पर हम बेसिकली बात करेंगे कुमाऊँ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इनफैक्ट काफ़ी सारे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट आते हैं कि हम रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हैं हमारा ईमेल खो गया है या हमारा जो मोबाइल नंबर है वो नहीं है वैलिड नहीं आ रहा पासवर्ड तो ये सारी चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि आपको क्या क्या करना है बाकी किस किस का रिजल्ट अभी तक जारी हुआ है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तो अभी तक आप देख सकते हैं जो बी एस सी थर्ड ईयर साथ में और यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं उन सब के रिज़ल्ट जारी हो चुके हैं तो इनका एक आ, सिंपल सा फंडा मैं अगर आपको बताऊं कि आपको रिज़ल्ट कैसा देखना है क्योंकि इसमें ये होता है कि जो नोटिस होता है वो एक या दो दिन लेट भी ये आ, इसमें डालते हैं पब्लिश करते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है जैसे आप मान लीजिए आजकल अब रिज़ल्ट आ रहे हैं तो जो अगस्त लास्ट तक लगभग ज़्यादातर रिज़ल्ट आ जाएंगे नहीं तो सितंबर के पहले वीक तक सभी रिजल्ट आ जाएंगे तो आपको क्या करना है सिंपली अपने जो है लॉग इन है हैं वहाँ पर आपको सिंपली दिख जाएगा कि रिज़ल्ट जारी हुआ है अथवा नहीं तो बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे पहली बात आजकल जो हमारा पासवर्ड रिसेट के लिए था पहले ईमेल का ऑप्शन भी था तो अब ईमेल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो ये बड़ी दिक्कत है बाकी कई सारों का क्या होता है कि जो नंबर होता है फ़ोन नंबर वो आप आपके पास नहीं होता है या उसकी वैलिडिटी ख़त्म होती है या खो गया होता है तो उसके लिए आप सिंपली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो गाइडलाइन है हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर या फिर ईमेल कर सकते हैं बाकी अगर मैं बात करूं बाकी मैं बात करूँ जो जैसे ही रिज़ल्ट जारी होता है तो क्या होता है कि साइट ओपन नहीं होती है उसमें एरर लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से आ जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं एक तो आप जैसे अलग अलग तरीके से इसको स्टार्ट करें जैसे आपके पास अलग अलग ब्राउज़र है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं बट इस वो उतना जो है इफ़ेक्ट नहीं करता है इफ़ेक्ट करता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट में डाल सकते हैं जिससे है थोड़ा सा उसमें फ़ायदा होता है बाकी आप क्या कर सकते हैं आ, कि जो अलग से एक स्टूडेंट लॉगिन करके आता है तो मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ आप के यू इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं के यू स्टूडेंट लॉगिन तो वहाँ पर आप सिंपली uh, वो अलग सा ही पोर्टल है जिसमें सिर्फ लॉगिन के लिए काम होता है और आपकी प्रोफाइल लॉगिन होती है तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट लॉगिन आ जाता है अब आपको क्या करना है रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है तो जितना कोशिश आप करिए कि पासवर्ड को याद रखें बाकी आप ई में भी चेक कर सकते हैं और जो इसका रिमे जो इसका फॉरगेटिंग का जो स्टेप्स हैं आपको सिंपली फॉरगेट पर करना है क्लिक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर ई का ऑप्शन भी होता था लेकिन अब नहीं है तो आपको कैसे भी करके मोबाइल का कुछ या तो आपको वैलिडिटी बढ़ा लेनी है जो भी है आपका मोबाइल ही यहाँ पर जो है अवेलेबल है तो आप रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में मोबाइल से रेसेट कर सकते हैं उसको जो पासवर्ड आपका मोबाइल uh, में आ गया तो उसको आप फिर इसमें डाल के चेंज कर सकते हैं तो इसके लिए तो ये है कि आप सिंपल पासवर्ड ज़्यादा रखें जो आपको याद है या इसको कहीं नोट कर लें ये इतना बड़ा पासवर्ड नहीं है कि किसी को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं बाकी जो मैंने आपको बताया कि आपको डेस्कटॉप साइट यूज़ करनी है या फिर अलग से स्टूडेंट लॉगिन करना है या फिर जैसे कि उसके साइड भी मैंने ओपन कर रखी है सिंपली वाली तो इस प्रकार से जो रिज़ल्ट आप जारी जो है डाउनलोड कर सकते हैं बाकी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी लगभग मैंने दे दी है तो जुड़े रहें यहाँ पर सामान्य ज्ञान और यूनिवर्सिटीज़ अपडेट दी जाती है धन्यवाद